Hey guys, this is Dr. Arva Bora welcoming you all in my YouTube channel. I hope you guys are doing well and all are good. आज इस वीडियो में मैं आपको नेजल कंजेशन के लिए मतलब नाक बंद हो जाना जिसको हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं इसके लिए बहुत इफेक्टिव कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं. WSI जर्मन कंपनी की ये होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये एक बहुत कॉमन समस्या है नाक का बंद हो जाना. अगर आप भी इस समस्या से परेशान है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा. बहुत इंफॉर्मेटिव है ये वीडियो आपके लिए. गाइस, अगर आप वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब बटन को हिट करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, इससे आपको मेरे रेगुलर वीडियो अपलोड्स के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे तुरंत जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूंगी. व्यूअर्स, बिना देर की ये फटाफट आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं. सो व्यूअर्स, नेजल कंजेशन एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो कोई डिसीज नहीं है बट सिम्टम है बहुत सारे एलिमेंट्स का, मतलब बहुत सारी इलनेस या बहुत सारी कंडीशंस का एज अ सिम्टम ये प्रेजेंट होता है, लाइक एलर्जिक राइनाइटिस या सिंपल राइनाइटिस, कोल्ड, फ्लू, साइनोसाइटिस, ये सारी जो समस्या है इसमें एज अ सिम्टम प्रेजेंट रहता है नेजल कंजेशन, जिसमें हमारे जो नॉस्ट्रल्स हैं वो कंजेस्ट हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं जिससे हमें नाक से सांस लेने में तकलीफ होती है, इरिटेबिलिटी होती है. और इसके साथ एक एसोसिएटेड सिम्टम होता है नेजल कंजेशन के साथ हेडेक. जैसे ही नेजल कंजेशन आपको होगा आपको सर में दर्द जरूर होगा ड्यू टू कंजेशन हेयर इन द नॉस्ट्रल्स. सो नेजल कंजेशन एक बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली जैसे ही आपको अगर मान लीजिए डस्ट एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस है और उसके बाद आपको स्नीजिंग स्टार्ट हुई, कोराइजा स्टार्ट हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो नॉस्ट्रल्स हैं वो कंजेस्टेड हो जाएंगे. नेजल कंजेशन इस तरीके से प्रेजेंट रहता है और रात में सोते टाइम पेशेंट्स की कंप्लेंट रहती है, जैसे लेटेंगे बिस्तर में तो ये तकलीफ बढ़ जाती है तुरंत. जो एक नॉस्ट्रल या दोनों नॉस्ट्रल किसी पेशेंट्स में दोनों नॉस्ट्रल कंजेस्टेड हो जाते हैं और कुछ पेशेंट्स में सिर्फ एक नॉस्ट्रल कंजेस्टेड हो जाता है. ये इस तरीके से सिम्टम्स हमको नेजल कंजेशन के मिलते हैं और इसके साथ एक सिम्टम मिलता है वो होता है हेडेक यानी कि सिर का दर्द. इस समस्या के लिए बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है WSI जर्मन कंपनी की अल्फा NC नेजल कंजेशन टैबलेट्स. बहुत अच्छे रिजल्ट इसको लेने से मिलते हैं. अगर आपको एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है तो आप इस अल्फा NC को बिल्कुल परचेज कर लें और इसे अपने घर पर रखें. ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल कॉम्बिनेशन मेडिसिन है. इसको लेने से जो नेजल कंजेशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, धीरे धीरे करके ठीक होगा बट ठीक होने लगता है. अगर आपको बार बार एलर्जी भी होगी बट आपके जो नेजल है वो कंजेस्टेड नहीं होंगे, इस मेडिसिन को लेने से ये बेनिफिट होता है. अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में. जैसे मैंने पहले बताया ये पर्टिकुलर मेडिसिन मैं नेजल कंजेशन के लिए ही बता रही हूँ. किसी भी प्रकार की सिकनेस की वजह से अगर आपको नेजल कंजेशन हो रहा है, नॉस्ट्रल्स ब्लॉक हो रहे हैं तो आप उसके लिए ये मेडिसिन लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ले सकते हैं आप. साथ में हेडेक अगर आपको हो रहा है तो उसके लिए ये इस मेडिसिन को आप यूज करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे. टैबलेट फॉर्म में ये मेडिसिन है ग्लास बॉटल के अंदर. ये जो क्वांटिटी है ये इस मेडिसिन की जो मेरे पास है अभी ये 20 ग्राम क्वांटिटी पैकेजिंग में ही आती है. एंड गाइज, इसका जो MRP है वो यहाँ पर नीचे मेंशन्ड है और ये 175 रुपीज की आपको मिलेगी फॉर 20 ग्राम. बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है. इसके डोजेज के बारे में बात करते हैं कि आपको ये नेजल कंजेशन टैबलेट्स लेनी कैसे है. आप स्टार्टिंग में जब लेना स्टार्ट करेंगे, अगर आपको क्रोनिक ये प्रॉब्लम है, जो एलर्जीज जो होती है, एलर्जिक राइनाइटिस है, इसके एक्यूट अटैक्स आते हैं और ये प्रॉब्लम क्रोनिक रहती है, ऐसी समस्या के लिए आप इसको लेना स्टार्ट करें एक टैबलेट दिन में 3 बार. जैसे ही आपके सिम्टम्स इम्प्रूव होने लगे तो आप इसको एक टैबलेट दिन में 2 बार कर दें सुबह शाम, और फिर कुछ दिनों के बाद या कुछ मंथ्स के बाद आप इसे सिर्फ एक टैबलेट दिन में 1 बार लें. अगर आपको एक्यूट सिम्टम प्रोड्यूस हो गए हैं भीग जाने के बाद या फिर वायरल फीवर हुआ है, फ्लू हुआ है और उसमें आपका नेजल कंजेशन है, नॉस्ट्रल्स कंजेस्टेड हो गए, बंद हो गई है नाक, रात को सोने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसे में आप इमिडिएटली 2 टैबलेट ले लें
तो आपको आराम मिल जाएगा। सो गाइज, ये है मेडिसिन नेजल कंजेशन के लिए जो बहुत इफेक्टिव है, आप यूज करें अगर आप इससे सफर कर रहे हैं तो। मैं रेगुलर अपने पेशेंट्स को देती हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट इससे मिलते हैं बिकॉज नेजल कंजेशन जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। सो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। इफ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।